बिहार के सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात बीते शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो शराब कारोबारी सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। जी हां, ये ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के सुपर बाजार का बताया जा रहा है। बताते चले कि सहरसा SP लिपि सिंह के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी और उक्त टीम के द्वारा विशेष रेड अभियान चलाया गया, जिसमें सदर थाना क्षेत्र के सुपरमार्केट से पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां विशेष अभियान के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था और जगह जगह छापेमारी की जा रही थी, जिसमें सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 1726 लीटर विदेशी शराब के साथ एक स्कूटी और एक कार के साथ दो शराब कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सदर SDPO संतोष कुमार ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि SP लिपि सिंह के निर्देशानुसार प्रशिक्षु DSP निशिकांत भारती जी के द्वारा सघन छापेमारी की गई, जिसमें 1726 लीटर विदेशी शराब, दो कारोबारी जिसमें एक का नाम राजकुमार सिंह और दूसरा कार्तिक कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों कारोबारी के पास एक स्कूटी और एक चार पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। DSP भारती जी ने SP साहब के निर्देशानुसार जब रेड छापामारी किया तो इन्हें काफ़ी सफलता मिली। लगभग 1726 लीटर शराब कार्टून में विभिन्न विभिन्न ब्रांड के मिले, जिसमें दो शराब तस्कर दो पकड़ाया, जो वहाँ अपने गोडाउन में रख करके बारी बारी से एक एक कार्टून ले जा करके बेचा करता था। एक का नाम है राजकुमार सिंह और दूसरा कार्तिक कुमार। बरामदगी इनके, इन्हें जब पकड़ा गया तो इन्हें स्कूटी से मिला शराब, इनको पकड़ करके जब इनकी निशानदेही पर पूछताछ की गई तो फिर ये सुपरमार्केट में, एक मार्केट है उसी में ये सारे शराब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।